नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेज कुकिंग विद अनु में। दोस्तों मैं आज बनाने वाली हूँ काजू नमक पारे, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये एक बहुत ही अच्छा स्नैक्स है जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये काजू नमक पारे बनाने के लिए मैंने ये मैदा लिया है, लगभग ये 250 ग्राम मैदा होगा। और ये मैंने 2 बड़े साइज चम्मच तेल लिया है गूंथने के लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ चीजें डालने की जरूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक, और ये 1 चम्मच अजवाइन जिसे मैं मसल लेती हूँ ताकि इसका स्वाद और ही आएगा इसमें। और अब ये ऑयल डाल देती हूँ इसमें, डाल के मैं अच्छे से इसमें मैन दे दूंगी। तो ये देखिए इसमें ये मैन हो गया अच्छे से। अब मैं इसको गूंथना स्टार्ट करती हूँ। इसमें थोड़े थोड़े पानी डालकर ही गूंथना है। और सख्त गूंथना है। जैसे हम रोटी का आटा गूंथते हैं बहुत अच्छे से, एकदम से सॉफ्ट करते हैं, इसको हमें उस तरह से नहीं गूंथना है। ये इसको पूरी तरह से नहीं मिलाना है, बस ये किसी भी तरह से इकट्ठा हो जाए फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए हमें कुछ इस तरह से ही गूंथना है, बहुत ही अच्छे से नहीं गूंथना है। ये देखिए ये ऐसा रहना चाहिए गूंथने पे, तब ये बहुत ही ज्यादा खसखस बनेगा। तो ये मेरा गूंथ के रेडी हो गया है। अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही ढक के रख देती हूँ, फिर उसके बाद से मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। किसी बर्तन में रखकर आप इसे किसी कपड़े से ढक के लगभग 15 से 20 मिनट तक रख दें, फिर उसके बाद से आप बनाना स्टार्ट करें तो ये और भी अच्छा बनेगा। तो चलिए दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं लगभग। अब हम इसको देखते हैं आटे को, ये आटा हमारा लगभग सेट हो गया है और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इतने आटे को हम 3 भाग में बनाएंगे, 3 बड़ी बड़ी लोइयां लेकर। ऐसे हम हाथ से ही थोड़ा फैला लेंगे। फिर हम इसे बिना आटा और घी लगाए हुए बेलेंगे।
तो ये देखिए, हमें लगभग इतना बड़ा बेल लेना है इसको, और इतना मोटा रहना चाहिए कम से कम। ये साइड आपको दिख रही है, कम से कम इसको इतना मोटा रखना है। तो काजू नमक पारे बनाने के लिए आपके पास कुछ इस तरह की चीज होनी चाहिए, नहीं तो ये ढक्कनी बहुत ही सही है बनाने के लिए। तो देखिए हम किस तरह से इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा काजू शेप में आएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये कुछ इतना मोटा रहना चाहिए बनने के बाद, इस तरह से। तो हम इस तरह से ही सारे को बना लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम एक प्लेट में रख देंगे। और इस तरह से हम सबको काट लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इसी तरह से सबको बना लूंगी, फिर मैं इन्हें तलूंगी। ये बचे हुए जो आटे हैं इसको हम वापस इस आटे में मिला देंगे, और इनका हम फिर से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैंने सभी को बना के तैयार कर लिया है, अब मैं इसे तलने जा रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी और मेरा तेल गरम हो गया है। और ये भी ध्यान रखें कि हमें मीडियम फ्लेम में ही सारे जो है काजू नमक पारे को तलना है, तभी वो खस्ते टाइप के बनेंगे। तो ये देखिए, मैंने शुरू में तेल को गर्म होने के लिए जो है फ्लेम हाई कर दी थी, तो तेल मेरा थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया था, इसलिए फट से लाल हो गए हैं थोड़ा। लेकिन इन्हें आप जितनी स्लो मीडियम फ्लेम में तलेंगे, वो इतने ही अच्छे बनेंगे।
इन्हें हमें हल्के ब्राउन होने तक तलना है। तो ये देखिए हमारा हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे किसी थाली या प्लेट में। आप कोई नॉर्मल पेपर या टिश्यू पेपर बिछाकर उसमें ही निकालें, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत ही तेल आए वो सोख ले। तो ये देखिए ये कुछ इस कदर का, कुछ इस तरह का रहना चाहिए। ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये तलने के बाद ऐसा होता है, इस तरह का, और बहुत ही बढ़िया है ये। इस तरह से हम सभी को तल लेंगे। तो दोस्तों ये काजू नमक पारे बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया खाने के लिए। इसे आप और भी चटपटा बनाने के लिए इसमें आप लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला आदि छिड़ककर इसे और बढ़िया से मिला के खा सकते हैं, लेकिन हमें इसी तरह से पसंद है तो हम इसको इसी तरह से ही रखते हैं। तो ये देखिए मैं इसे हाथ से तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर भी किस तरह का है और कितनी आसानी से खसखस टूट जा रहा है। इसका चाहे जितने पीसेस कर ले आराम से टूट जा रहा है। बहुत ही खस्ता बना है ये, और खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।